मैंने देखा है, जेन्युइनली बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है और आई थिंक पाखी विल मेक ए वेरी गुड फिल्म मेकर, क्योंकि वो इतनी छोटी सी एक चीज़ को लेके और एक वुमेन लिबरेशन की जो बात है, जो सिंबलिज्म है, जो मेटाफर है, जो स्टोरी टेलिंग है, बहुत ही छोटी सी बात है और उसको उतनी देर तक होल्ड करना उसके लिए आई थिंक बहुत ही खूबसूरत, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। मुझे जहाँ भी डर होता है कि फिल्म ख़राब होगी तो मैं जाता ही नहीं हूँ देखने के लिए, तो जहाँ मुझे ये एक एश्योरेंस होता है और ये एक इस तरह की मुझे एक इंश्योरेंस थोड़ी सी अंदर रहती है कि हाँ कुछ तो अच्छा होगा, तो मैं वहाँ देखने के लिए जाता हूँ, क्योंकि फिर झूठ बोलना पड़ा एक्टिंग में, एक्टर नहीं हूँ तो एक्टिंग नहीं हो पाती, तो इसमें मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पाकी ने फिल्म बनाई है। समाज के हालत, फिल्म समाज के हालत बदलने के लिए नहीं बनती है, समाज में जो हो रहा है उसका आईना होती है फिल्म, तो उसका प्रतिबिंब होती है, तो सिनेमा से हम लोग फिल्म को समाज को नहीं बदलना चाहते, समाज को उसका चेहरा दिखाना चाहते हैं कि ये समाज है, ये हम लोग हैं और हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं। सर, ये प्रेजेंट टाइम पे हम देखें तो शॉर्ट फिल्मों का बहुत ही हर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा, आपने भी किया, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आपने कुछ कम कर दिया है शॉर्ट फिल्म? मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी बहुत साल पहले, वो गेट्स बिल गेट्स फाउंडेशन के लिए एड्स के ऊपर, बट उस वक्त क्योंकि फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम था और उसके लिए मीन्स नहीं थे उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, अभी तब यूट्यूब भी नहीं था और ना ही इस तरह के छोटे कैमराज थे, इतने सस्ते कि हर कोई, टेक्नोलॉजी महंगी थी उस वक्त, अब वो टेक्नोलॉजी बहुत इजी है और कोई भी फिल्म बना सकता है, मेरे बेटे ने 4 शॉर्ट फिल्म बना ली है, तो बहुत इजी है फिल्म बनाना और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेब सीरीज़ का फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फॉर्मेट है और स्पेशली फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि तो हमें फिल्मों में सबसे पहले जो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है वो डिटेल कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, क्योंकि फिल्म 2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा की या 3 घंटे से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, जबकि सीरीज़ में वो बंदिश नहीं है, तो जो फिल्म मेकर्स को जो छोटी छोटी डिटेल्स लूज़ करनी पड़ती थी वो वेब सीरीज़ में नहीं है, इसलिए वेब सीरीज़ फिल्म मेकर के लिए ऑफकोर्स मैं जाना चाहूँगा, बनाना चाहूँगा। विशाल सर, दीपिका एंड इरफान इन योर नेक्स्ट प्रोडक्शन, इट्स अ ड्रीम कास्ट, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द फिल्म टू गो ऑन फ्लोर्स? आई एम मोर एक्साइटेड फॉर माई फ्रेंड हनी, जो कि मेरे साथ पिछले 20 सालों से मेरे साथ है और उसकी पहली फिल्म में इतनी बढ़िया कास्ट होना वो बहुत लकी है और आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू प्रोड्यूस इट। यू थिंक दीपिका विल रियली डू जस्टिस फॉर द रोल बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ऑथर बैक पावरफुल रोल? आई थिंक दीपिका इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर एंड स्टार, सो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी कभी आता है कि जहाँ पे एक सुपर स्टार हो और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर हो, तो दीपिका इज वन ऑफ दैट। सो व्हेन इज द फिल्म गोइंग ऑन फ्लोर्स? इट विल गो इन जनवरी। Thank you so much. Thank you. Thank you.